हाय फ्रेंड्स, ऑफिस एटिकेट्स। आज का हमारा वीडियो है ऑफिस एटिकेट्स के बारे में, हाउ टू मेंटेन ऑफिस एटिकेट्स एंड मैनरिज्म। माय डियर फ्रेंड्स, कौन सा भी काम एक्चुअली अगर उसे काम के अनुसार किया जाए, वो काम थोड़ा आपके लिए बर्डन हो सकता है, क्योंकि वर्क इज नॉट अ ड्यूटी, एक्चुअली इट इज अ ब्यूटी। यस, इट्स ट्रू, डू वर्क नॉट एज अ ड्यूटी, डू वर्क एज अ ब्यूटी, देन यू विल एंजॉय एवरी सेटिस्फैक्शन दैट कम्स थ्रू योर वर्क। जहां कहीं आप काम करते हैं, मे बी एट अ सर्टन ऑफिस और वेर एवर योर वर्क प्लेस इज देयर, तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क विथ इंटरेस्ट, वर्क विथ स्माइल, वर्क विथ गुड कम्युनिकेशन। यस फ्रेंड्स, ये तीन बातों के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे बॉस से कैसी बात करनी चाहिए, सीनियर से कैसी बात करनी चाहिए, प्रिंसिपल से कैसी बात करनी चाहिए, टीचर से कैसी बात करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो इसी के बारे में है तैयार। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क विथ इंटरेस्ट। काम करते वक्त अगर इंटरेस्ट नहीं है, वो काम आपके लिए बहुत, इट विल बी अ वेरी बोरिंग प्लेस। सो प्लीज वर्क विथ इंटरेस्ट, व्हाट एवर यू वर्क, इफ यू वर्क विथ इंटरेस्ट, बिलीव मी, यू कांट इमेजिन हाउ टाइम फ्लाइज, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग। फेमस फिलोसोफर थॉमस कार्लाइल वंस मेंशन, वी शुड वर्क एज इफ वी आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। जैसे खेलते वक्त एक आनंद आता है, वैसे काम करते वक्त आनंद आना चाहिए। यस, सो ही अगेन कंटिन्यूज, इफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्क एंड प्ले वैनिशेस, वर्क विल बिकम अ प्ले एंड यू विल एंजॉय एवरी सेटिस्फैक्शन दैट कम्स थ्रू वर्क। यस फ्रेंड, इट्स एब्सोल्यूटली राइट। सो आई रिक्वेस्ट यू, वर्क विथ इंटरेस्ट। हमारा सेकेंड पॉइंट है, वर्क विथ स्माइल। यस, वर्क विथ स्माइल। स्माइल आपके चेहरे में तभी आ सकती है अगर काम में इंटरेस्ट है। स्माइल इनवाइट स्माइल। स्माइल इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अगर चेहरे पे मुस्कान है, बिलीव मी, दैट विल बी अ चेरी ऑन द केक, बिकॉज स्माइल इज द बेस्ट कॉस्मेटिक, एंड दैट्स वाई प्लीज वर्क विथ स्माइल। अगर आप इंटरेस्ट से काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे स्माइल आता है, एंड इफ योर स्माइलिंग फेस, यू डोंट नीड एनी कॉस्मेटिक्स। यस, सो प्लीज स्माइल इज द बेस्ट कॉस्मेटिक। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क विथ गुड कम्युनिकेशन। यस, हमेशा हमारे कलीग के साथ, आपके कलीग के साथ, जो आपके ऑफिस में फ्रेंड्स है, you should always maintain very good communication, because good words cost nothing. अच्छी बात करने के लिए बिल्कुल पैसे लगते नहीं। मैं देखता हूं बहुत से लोग काम करते वक्त they are always in serious mood. No problem, you should work seriously, but not in serious mood. हाँ, that's why my dear friends, always behave with your colleagues in a very positive way. Actually, काम करते वक्त अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है, we get certain invisible satisfaction, एक समाधान मिलता है. So I request you, please have good communication, और अच्छी बात करने के लिए बिल्कुल पैसे लगते नहीं. और एक बात, बात करने से बात बनती है. So please always possess positive thoughts and have positive communication. Generally, people are negative by nature, but you should be very positive towards them. Okay? I am sure ये तीन बातें आपके लिए ऑफिस में काम करते हो बहुत काम में आएंगे. अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं, that is very important. How to talk to our boss, to our seniors, and of course, to our elders, maybe principal or to your teachers. Friends, I am going to say you two sentences.
यू विल डिसाइड विच इज मोर पोलाइट। है तैयार? रेडी? एक्सक्यूज मी सर, कैन आई कम इन? एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? विच इज मोर पोलाइट? यस, मे आई कम इन सर, दैट इज मोर पोलाइट। सर, मे आई आस्क यू समथिंग? सर, मे आई टेल द फैक्ट? सर, मे आई गो नाउ? यस माई फ्रेंड्स, हमेशा परमिशन के लिए बड़ों से बात करते वक्त मे शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कैन। सर, कैन आई गो? इट्स ओके, बट थोड़ा सा और पोलाइट। सर, मे आई गो नाउ? दैट इज मोर पोलाइट। सर, मे आई आस्क यू समथिंग? सर, मे आई रिक्वेस्ट यू समथिंग? वेरी पोलाइट फ्रेजेस। वन मोर, सर, मे आई पिकअप द फोन? इट्स वेरी अर्जेंट, दैट्स गुड। सर, मे आई पिकअप दिस पेपर? सर, मे आई इन्वाइट यू फॉर आवर फंक्शन? मेनी थिंग्स आर देयर, सो प्लीज यूज मे फॉर परमिशन। परमिशन देते वक्त भी उनको, बड़ों को परमिशन देते वक्त, सर यू मे गो प्लीज, सर यू मे प्रोसीड, इट लुक्स गुड। यस फ्रेंड, सो प्लीज कीप इन माइंड, परमिशन के लिए बड़ों से बात करते वक्त हमेशा यूज मे इंस्टेड ऑफ कैन। एम राइट? नेक्स्ट वन, अभी ये तो हो गए परमिशन के बारे में। How to express request? Again, I am going to tell you two sentences. You will decide which is the right one. Sir, will you think about my payment? Second sentence, sir, would you think about my payment? Which is more polite? Yes, my friend, second is more polite. Sir, would you think about my payment? That is correct. So, what is the golden rule? बड़ों को रिक्वेस्ट करते वक्त हमेशा वुड शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ विल। सर, विल यू थिंक अबाउट इट? नो, दैट इज नॉट गुड। सर, वुड यू थिंक अबाउट इट? सर, वुड यू सैंक्शन अवर लीव? सर, वुड यू एक्सेप्ट अवर प्रोजेक्ट? सर, वुड यू थिंक अबाउट अस? यस। सर, वुड यू थिंक अबाउट अवर इंक्रीमेंट? हाउ पोलाइट। वन मोर, would की जगह यू कैन यूज could also। सर, could यू मेंशन माई नेम इन दैट फाइनल लिस्ट? यस। सर, could यू इंक्रीज माई पेमेंट? दैट्स अ गुड आइडिया। सो वॉट इज द गोल्डन रूल? बड़ों को रिक्वेस्ट करते वक्त would और could should be used instead of will or can। इज इट फाइन? सो प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दिस etiquettes एंड ऑफकोर्स प्रोटोकॉल or maybe mannerism. What is the first point? Work with interest. Second, work with smile. Yes, Japanese make proverb hai, open the shop with a smile, because smile is the best cosmetics. Am I right? Third point, work with good communication with your colleagues, with your friends. Yes. And very last point, how to talk to seniors, elders, to our boss, principal and teachers. मैं देखता हूँ बहुत सी जगह बच्चे doubt पूछते वक्त they should maintain certain mannerism. For example, if you want to ask doubt to your teacher, you should firstly raise your hand. After that, sorry sir to disturb you, but would you be so kind to repeat the point? That is correct. Sir, could you revise this chapter? That is correct. Sir, will you repeat this topic? That is really arrogance. So, बड़ों से बात करते वक्त, request करते वक्त, would or could should be used. I am sure all these points, believe me, they are very useful for you. Okay? So, please, just go through all these points. I am sure if you follow all these points, you will be the most admiring personality in your office or at your office. Right? Thanks a lot. Aise bahut se video ke liye, please subscribe my channel. Take care. Happy learning.